सबसे पहले तो द चेंज इन सेटअप, उसके वाले से तो मैं बात करूंगी, बट द चेंज इन बॉडी लैंग्वेज ऑफ टीम पाकिस्तान कल से लेके आज तक, क्या फर्क लग रहा है आपको कुछ? अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट जो हमारा क्रिकेट बोर्ड था और जब क्रिकेट बोर्ड है तो ऑब्वियसली उसमें वाज़े फर्क नजर आ रहा है बॉडी लैंग्वेज में भी। अच्छा वहाँ वी आर फेसिंग आवाज़ अच्छा नहीं, ठीक आ रही है, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, बट इट्स फाइन नाउ, प्लीज कैरी ऑन, रियली सॉरी, प्लीज कैरी ऑन जी। सो यस, देयर इज अ डिफरेंस, यू कैन सी दैट डिफरेंस क्लियरली। और आई थिंक देखे डिपेंड करता था कि जब वो थे तो प्रोबेबली जो टीम जो थी वो ज्यादा एम्पावर थी, मैनेजमेंट जो थी वो ज्यादा एम्पावर थी। अब थोड़ा सा क्योंकि जब सेटअप चेंज होता है तो यू नेवर नो कि किसको कहाँ पे स्टैंड आउट करना है, किसको क्या पोजीशन मिलेगी, तो सो प्रोबेबली ये नेचुरल है, एक नेचुरल फीलिंग है जो हमें नजर आ रही है। एंड उसको अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि चीजों को कहाँ पे लेके जाया जाता है और किस तरीके से किसको कहाँ पे एम्पावरमेंट मिलेगी, तो फिर उसके हिसाब से दोबारा देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेजेस किधर गई है सबकी। चलें जी, अच्छी बात है, वहाँ आपने अच्छी बात कर दी यहीं पे, बिकॉज आई थिंक फॉर एवरीवन इट्स लाइक अभी वेट एंड वॉच वाली कहानी है कि एक्चुअल होता क्या है।